एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पैक के इस ट्रांसलूसेंट पाउडर का रिव्यू। सो दिस इज एंटी शाइन पाउडर। दिस विल एब्जॉर्ब ऑयल फॉर नेचुरल मैट फिनिश, लाइट वेट एंड लॉन्ग वेयर एंड ब्रीदेबल पाउडर है। सो बेसिकली दिस इज अ व्हाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर। मेरे पास काफी अलग अलग तरीके के ट्रांसलूसेंट पाउडर है, लाइक लैक्मे का है, वो रोज है। उसके बाद मेरे पास फिटमी का है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन माई स्किन, लाइक मेरे स्किन टोन से मैच होता हुआ है। सो फाइनली मुझे ऐसे लगा कि मेरे पास एक ऐसा ट्रांसलूसेंट पाउडर होना चाहिए जो हर स्किन टोन को मैच हो जाए और मुझे स्किन टोन से मैच करने के लिए अलग अलग चीजें ना कैरी करनी पड़े अपने वैनिटी बैग में। सो दैट फॉर दैट पर्पज आई हैव परचेज दिस पैक का ट्रांसलूसेंट पाउडर। सो लेट्स स्टार्ट विद द पैकेजिंग फर्स्ट। तो ये इस तरीके से प्लास्टिक टब में आपको मिलता है एंड यहां से ये ओपन होता है ऊपर की तरफ। सो यहाँ पे आपको मिरर मिलता है अंदर और इस तरीके का एक एप्लीकेटर भी मिलता है और यहाँ पे थोड़ी सी नेट मिलती है जिससे आप प्रेस करते हो तो आपका जो पाउडर है वो बाहर आता है। सो ये ऊपर की तरफ का है। अगर आप इसको इस तरीके से रोल करेंगे तो ये ऐसे ओपन भी होता है। ये मैंने निकाल दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ग्लास भी मिल जाता है। ये ओपन करने के बाद यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर की रिंग है, अगर आप इस ब्लैक कलर की रिंग को भी पूरा निकाल देते हो तो पूरा खुल जाता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज करना है तो आप इसको खोल के पाउडर बाहर निकाल सकते हो, बट मुझे इतनी क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता है तो मैं ऑब्वियसली इसको इसी तरीके से यूज कर लेती हूँ। और मुझे इसका फिनिश जो है ना वो बहुत बहुत अच्छा लगा। लाइक इट इज़ अ वेरी वेरी फाइन पाउडर, बहुत ही बारीक पार्टिकल्स है इसके, लाइक लिटरली वेल्वेट वेल्वेट फील होता है आपको हाथों पे। चलिए प्राइस की तरफ बढ़ते हैं। दिस रिटेल फॉर 635 रुपीज आई गेस एंड यू विल गेट आई गेस 13 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। Yes, 13 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट इन इट एंड दिस रिटेल फॉर 635 रुपीज। एंड फ्रेग्रेंस जो है ना इसकी बहुत सी माइल्ड सी है। लाइक जो भी प्रोडक्ट आप अपनी स्किन पे लगाते हो ऑब्वियसली आपको फ्रेग्रेंस तो आ ही जाती है क्योंकि वो हमारे स्किन के मतलब नोज के आसपास होता है तो फ्रेग्रेंस आती है। इसकी बहुत सी माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है। इसके यूएसपी ये है गाइस कि ये बहुत ही शेयर कवरेज देता है तो आप उसको बिल्ड कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार लगाए बहुत वाइट कास्ट कर दिया। तो शेयर कवरेज है तो आप इसको बिल्ड कर सकते हो, कम करना है ज्यादा करना है दैट इज इन योर हैंड। बहुत बारीक पार्टिकल्स हैं इसके तो बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है स्किन के ऊपर। ये आपको बिल्कुल मैट फिनिश देता है तो अगर आपकी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपके लिए ये स्टार प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर आपकी ड्राई स्किन है लेकिन आप इसको लाइक समर में यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। आप थोड़ा सा अपने टी जोन एरिया को अगर आप सिर्फ थोड़ा सा लगा के रखना चाहते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। आप इसको दो तरीके से यूज कर सकते हो। आप इसको रेगुलर बेसिस पे हम जैसे कॉम्पैक्ट लगाते हैं वैसे भी लगा के रख सकते हो, अदरवाइज आप इसको फाइनल टचअप के लिए भी यूज कर सकते हो। लाइक जब आप अपना पूरा मेकअप कर लो, जैसे मैंने अभी कर रखा है तो आपको भी मेरी स्किन पे थोड़ी सी शाइन दिख रही है, दैट इज बिकॉज मैंने कोई भी कॉम्पैक्ट लूज पाउडर कुछ भी नहीं लगाया है। फाउंडेशन के बाद मेरी जो स्किन है बिल्कुल बेयर है तो अभी मैं ये लगा के आपको दिखाने वाली हूँ कि ये कैसा लगता है। सो अब इसका जो एप्लीकेटर है, अगर मैं आपको एप्लीकेटर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का एप्लीकेटर आता है, ये आप देख सकते हो। सो एप्लीकेटर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है तो अगर आप एप्लीकेटर से लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। अगर अदरवाइज अगर आप ब्रश से लगाना चाहते हो ब्रश से लगाओ, आप अपने स्पंज से लगाना चाहते हो स्पंज से लगाओ। सो हम पहले एक बार ब्रश से ट्राई करके देखेंगे कि ये ब्रश से कैसी कवरेज देता है। तो इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर डिप कर रही हूँ, ये मेरा कॉम्पैक्ट ये लूज पाउडर आ गया एंड अब इसको मैं यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ, ठीक है, अंडर आई पे। एंड लिटरली इंस्टेंटली आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऑयली है ना, ये बिल्कुल देखो मैट सा हो गया है। तो अभी तो मैंने लगाया है और इसको अब मैं स्किन के अंदर प्रेस कर रही हूँ, रगड़ना नहीं है, ड्रैग नहीं करना है, जस्ट स्किन के अंदर मैंने इसको प्रेस किया है तो ये अंडर आइज पे बहुत अच्छे से लग चुका है। एंड मुझे लिटरली पहले ही फील ही हो गया है कि ये साइड ना मेरी मैट सी हो गई है बिल्कुल, मुझे यानी देखने की जरूरत नहीं पड़ रही, पूरा मैट इफेक्ट आ रहा है एंड बहुत अच्छे से इसने मेरी स्किन को जो है ना ऑयली से मैट कर दिया है। तो ड्राई स्किन वाले यूज कर सकते हैं इन समर्स, ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये बिल्कुल वरदान हो गया है और कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी जहां पे उनको टी जोन एरिया पे थोड़ा बहुत स्वेट आता है वहां पे आप यूज कर सकते हैं। अब मैंने ब्रश से यूज करके दिखाया, मैं आपको स्पंज से यूज करके दिखाती हूँ कि इफ स्पंज से आप यूज करते हैं तो इसका क्या रिएक्शन होगा। सो ये मैंने स्पंज पे थोड़ा सा लिया है एंड इसको मैं थोड़ा सा अंडर आई पे लगा रही हूँ इस तरीके से एंड उसको मैं हल्का हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ। तो कवरेज की अगर मैं बात करूँ ना गाइस, तो मुझे कवरेज ब्रश में ज़्यादा लगी है बिकॉज स्पंज में ऑब्वियसली थोड़ा सा ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यस, मुझे ब्रश में जो है कवरेज इसकी ज़्यादा अच्छी लगी और पूरा मैटिफाई लुक कर दिया। लाइक लिटरली मेरी फिंगर्स मैं रब करूँ, मुझे वेलवेटी टच लग रहा है, मैटिफाई लुक आ रहा है बिल्कुल एंड बहुत अच्छे से, ये देख सकते हो आप,
बिल्कुल ऑयली नहीं लग रहा मेरा फेस अब. अभी आपको यहाँ पे ऑयली लग रहा होगा, तो लेट मी है ना, मैं यहाँ पे भी लगा देती हूँ तो आपको थोड़ा सा मैट इफेक्ट आ जाएगा मेरे पूरे फेस पे. सो आप देख सकते हो मैंने बहुत ही हल्का सा लिया था, एक ही बार लिया था, और उसकी ना कवरेज काफी अच्छी है. ये देखो आप, बहुत हल्का सा लिया है लेकिन ना ये पूरे फेस पे अच्छे से लग जाता है. कवरेज इसकी अच्छी है, मतलब आई लाइक दिट. ये बहुत अच्छे से मैट इफेक्ट देता है, आप देख सकते हो गाइज. थोड़ा पास से दिखाती हूँ, देखो पूरा मैट कर दिया मेरे फेस को. सो इफ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, जस्ट गो फॉर इट. आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं. इसमें आई गेस दो शेड्स मिलते हैं, ये शेड है एंड अंदर दूसरा कोई कलर वाला शेड आता है, बट डोंट गो फॉर कलर शेड. आप व्हाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर जो होता है वही खरीदो, उससे अच्छा और कुछ नहीं होगा. बिकॉज मुझे अब लग रहा है कि मैंने फिटमी का खरीदा है या मैंने ब्लू हेवन का खरीदा है, वो कलर है, कलर वाला मतलब मेरी स्किन टोन से मैच होने वाला पाउडर खरीदा, तो वो मैं सिर्फ मैं ही यूज कर सकती हूँ. बट ये ट्रांसलूसेंट पाउडर मैं किसी भी स्किन टोन पे और किसी भी स्किन टाइप पे, जैसे मैंने आपको बताया, तो स्किन टोन और स्किन टाइप किसी पे भी हो मैं दोनों में यूज कर सकती हूँ. एंड पैकेजिंग इज वेरी कन्वीनियंट, आप आराम से अपनी वैनिटी में रख के ले जा सकते हो. और इसके ना दो वर्जन, लाइक मिनी वर्जन भी आता है, उसमें आपको 2 ग्राम का प्रोडक्ट मिलता है गाइस, एंड दैट इज फॉर आई गेस 150 रुपीज ऑन नाइका. तो अगर आपको ट्राई करना है पहले लेने से, तो आप वो ट्राई कर लीजिए. अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो फिर आप बड़े वर्जन के लिए जा सकते हैं. सो ये पाउडर मैंने पैक की वेबसाइट से मंगवाया है. इनकेस इफ यू वॉन्ट टू परचेज, मैं नीचे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर लेना एक बार वहां से. एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट. सो मैं इसको 10/10 दे रही हूँ. सो यू कैन ब्लाइंडली गो फॉर दिस प्रोडक्ट. मुझे तो प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा है एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग एक बार इसको जरूर से ट्राई करें. So yes guys, that's it for today's video. I hope you all enjoyed this video. Video अच्छी लगी हो तो please make sure करें आपने मेरे चैनल को क्या है सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ. आज के वीडियो को करती हूँ ये खत्म, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड.